सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 330 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। अति पिछड़ा को बरगलाने का काम कर रही भाजपा गोपाल मंडल, पीएमबी अति पिछड़ा के सहयोग से बनी है गोपाल मंडल। अति पिछड़ा की है बिहार सरकार और रहेगी। नवगछिया के मारवाड़ी विवाह भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि अति पिछड़ा को भाजपा बरगलाने का काम कर रही है, पीएमबी अति पिछड़ा के सहयोग से बनी है बिहार सरकार, अति पिछड़ों की सरकार है। अब अति पिछड़ा को जो छोड़ कर चलेगा उसे कहीं जगह नहीं मिलने वाला है, लेकिन भाजपा वाले कितना भी हल्ला कर ले कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अभी भी नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों की हिस्सेदारी को समाप्त करने के लिए भाजपा कुचर्क रच रही है। जदयू तो आरक्षण दिया है, ये बोलने से थोड़ा होता है। जदयू तो आरक्षण दिया, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया है, बिहार से ही लागू हुआ है। भले आरक्षण पहले से चल रहा था, लेकिन इसको प्रकट करने वाला जयप्रकाश जी के आदेशानुसार, लोहिया के आदेशानुसार, महात्मा गांधी को मानते हुए आदरणीय नीतीश कुमार ने पिछड़ा अति पिछड़ा लागू किया। जिन्होंने लागू किया उस समाप्त क्या करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी है, हाल ही के दिनों में संसद और ये मंडल पर आरोप लगा है कि ट्रक वाले से पैसा वसूली करते हैं। ये भाई क्या करता है नहीं करता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बात है विपक्ष के नेता, विरोधी दल के नेता को जानकारी हुआ। अगर सरकार 100% जानती है, विरोधी दल के नेता भी 100% जानते हैं, वो भी पता करते रहते, उनको जानकारी हुआ होगा ट्रक वसूली करता है। उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रक को साइड करवा देता है, 1500 रुपया पर ट्रक लिया जाता है, यदि उनको जानकारी है तो उन्होंने बोला, हम तो नहीं बोल रहे। अब जो आरोप लगा है वो, ये सब तो उनका काम है, पुराना काम है। आप भी मानते हैं कि ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करते हैं, कर नहीं सकते हैं। प्रदेश के आदेशानुसार बिहार के अंदर जो हमारे नीतीश कुमार ने या चुनाव आयोग ने अमुक अमुक तारीख को मतदान होना था, उन्होंने कहीं न कहीं कोर्ट के माध्यम से या ऐसे माध्यम से अति पिछड़े को बरगलाने का काम किया। हम बहुत ज़्यादा नहीं, भागलपुर जिला में अति पिछड़ा महिला सीट है और यहाँ महिला सीट है, इसको बरगलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा को प्रताड़ित करता है, जबकि अति पिछड़ा की ही सरकार के द्वारा बनता है। आज प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र कुमार मोदी जी है, वो अति पिछड़ा के सहयोग, स्वयं अति पिछड़ा के सहयोग से बना है। हम समझते हैं हिंदुस्तान के अंदर अति पिछड़ा की आबादी 65-70% होगा और बिहार के अंदर 45-55% की अति पिछड़ा की आबादी है, और कितनों डिग डिगा ले, कितनों हल्ला कर ले,
कुछ होने वाला नहीं है। ये अति पिछड़ा की सरकार है, अति पिछड़ा पिछड़ा की सरकार रहेगी, सबों की बारी खत्म होगी। इसलिए प्रदेश के आदेशानुसार ये फिर आज दे दिया, जो हम लोग का तिथि था चुनाव का वही तिथि निर्धारित रहा, लेकिन अभी भी लगे हुए हैं अति पिछड़ा सीट समाप्त किया जाए। अति पिछड़ा को जो छोड़ के चलेगा, पिछड़ा को जो छोड़ के चलेगा, उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक के शाहिद अली हैं, हाँ जदयू के और अखिलेश जी हैं, हमारे डॉक्टर प्रेम हैं। सुनिए दिल अजीज, नौगछा में भी खुल गया जावेद हबीब। नौगछा क्षेत्रवासी के लिए खुशखबरी, अबले ब्रांडेड सैलून का आनंद महिला व पुरुष दोनों के लिए। हाई टीच फैसिलिटी के साथ ब्रांडेड सैलून का आनंद, पुरुषों की हेयर कटिंग सेविंग, महिलाओं की हेयर कटिंग, आईब्रो पेडिक्योर मैनिक्योर सहित कई दर्जन सुविधाओं का ले आनंद। मात्र 120 रुपए से पुरुष एवं मात्र 40 रुपए से महिलाओं की सर्विस है शुरू। दुल्हा दुल्हन को मेकअप एक्सपर्ट करेंगे तैयार। हमारा पता दुर्गा मंदिर रोड बोरा गद्दी के समीप डॉक्टर मन्नान के क्लिनिक के समीप। कॉल करें 7261008924। जावेद हबीब नौगछा का पहला ब्रांडेड सैलून। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर नौगछा अनुमंडल के विभिन्न निकटावस्थलों का निरीक्षण जल संसाधन विभाग के उच्च स्तरीय अभियंताओं की टीम ने किया। नौगछा अनुमंडल में गंगा एवं कोसी नदी में हो रहे विभिन्न स्थलों पर हो रहे कटाव का स्थायी समाधान हेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जल संसाधन विभाग के 2 सदस्यों के उच्च स्तरीय अभियंताओं की टीम ने किया गुरुवार को निरीक्षण। टीम में जल संसाधन विभाग के केंद्रीय रूपांकन के मुख्य अभियंता ई राकेश कुमार एवं डिजाइन के मुख्य अभियंता ई सच्चिदानंद साह शामिल थे। कटिहार के मुख्य अभियंता ई अनिल कुमार व अधीक्षण अभियंता ई शशिकांत सिन्हा व कार्यपालक अभियंता ई दिनेश कुमार साह में मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान टीम ने पूर्व में विभाग द्वारा दिए प्राकलन के अनुसार मुख्य कटाव स्थलों का जायजा लिया। रंगरा चौक प्रखंड के ज्ञानी दास टोला, इस्माइलपुर बिनटोली, करारी टिंचंगा स्थित जहाज घाट, जहानवी चौक एवं अन्य स्थलों का भी निरीक्षण किया। मौके पर केंद्रीय रूपांकन के मुख्य अभियंता राकेश कुमार के द्वारा प्रस्तावित योजना पर विशेष तौर पर मौके पर मौजूद नौगछा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंताओं से जानकारी लिया। नौगछा अनुमंडल कारा में टीबी स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन। नौगछा अनुमंडल कारा में टीबी अनुमूलन कार्यक्रम के तहत टीबी स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 32 मरीजों का स्क्रीनिंग किया गया। टीबी के संभावित 28 मरीजों का जांच के लिए सैंपल लिया गया। इस अवसर पर नौगछा अनुमंडल कारा के जेल अधीक्षक तारिक अनवर के साथ जाँच टीम में SDLS शंकर कुमार, डॉक्टर शशिभूषण, फार्मेसिस्ट ब्रजकिशोर कुमार, लेफ्ट टेक्नीशियन अक्षय कुमार, ओम कुमार, आकाश कुमार, विकास पांडे व अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। कुर्नी की जीत पर नौगछा भाजपा में जश्न। भारतीय जनता पार्टी नौगछा द्वारा भाजपा की ऐतिहासिक जीत गुजरात में, साथ ही बिहार कुर्नी विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की खुशी में कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई वितरण कर खुशी का इजहार किया गया। बिहार में आने वाले समय में जदयू राजद की विदाई तय मानी जा रही है और आगे भाजपा बिहार में भी एक मजबूत सरकार देने में सक्षम होगी और 2024 में पूरी ताकत से उन्हें देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। आज के कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, नगर अध्यक्ष कौशल कुमार जायसवाल, नगर महामंत्री प्रवेश कुमार यादव, शंभू रजक ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अनूप कुमार, भाजपा नेता दीपक भगत, छोटू सिंह भदौरिया, नन्हे सिंह राजपूत, मुकेश राणा, डॉक्टर अभिषेक कुमार, रंजीत झा, अशोक कुमार शाह समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे।
नौगछा पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन टीम का चयन 10 को 14 से 16 दिसंबर तक कुशाहा आश्रम हाजीपुर वैशाली में आयोजित 29वीं बिहार राज्य सीनियर महिला पुरुष बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए नौगछा पुरुष व महिला टीम का चयन शनिवार को नौगछा जेबी कॉलेज के मैदान पर किया जाएगा। ये जानकारी राज्य प्रवक्ता सह नौगछा पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ के जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार ने दी। बताया कि चयन समिति में सीनियर राष्ट्रीय खिलाड़ी राकेश कुमार शाह है। इस मौके पर कॉलेज के क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष सह संघ के कोषाध्यक्ष डॉक्टर दिव्य प्रियदर्शी मौजूद रहेंगे। भीपुर 20 क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना मेरा लक्ष्य, विधायक ई सलेंद्र। अरसंडी में किया पीसीसी सड़क का लोकार्पण। गुरुवार को प्रखंड के झंडापुर पूरब पंचायत के अरसंडी गांव में बीपुर विधायक ई कुमार सलेंद्र ने 16,61,700 की लागत से 700 फीट लंबी पीसीसी सड़क का लोकार्पण किया। यह सड़क बनारसी मंडल के बासा किनारे से अरसंडी गांव के महादली टूला को जाती है। बारिश के मौसम में लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। विधायक ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि भीपुर विधानसभा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना मेरा लक्ष्य है। सबका साथ सबका विकास ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। बीस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है और कई सड़कों का जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। वहीं विधायक व कार्यकर्ताओं ने कुर्नी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता की प्रचंड जीत पर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर अबीर व गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुँह मीठा कराया। इस मौके पर जिला कार्य समिति सदस्य अजय कुमार सिंह, ई गौरव कुमार, भाजयुमो जिलाध्यक्ष रूपेश कुमार रूप, दरोगी मंडल डॉक्टर दिलीप, प्रभु यादव, दिनेश यादव, शोषण यादव, संजय राय, गोपाल चौधरी, निरंजन सा, नवीन कुमार चुन्नू, प्रमोद सिंह उर्फ लालू आदि मौजूद थे। सड़क हादसे में घायल झारखंड पुलिस जवान की मौत। गोपालपुर प्रखंड के मकनपुर चौक पर सड़क दुर्घटना में घायल झारखंड पुलिस के जवान पप्पू कुमार यादव की मौत इलाके के दौरान हो गई। मृतक जवान बाबूटोला कमलाकुंड का रहने वाला था। जवान की मौत के बाद उसकी पत्नी रीता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वे अपने पति के शव पर फूट फूट कर रो रही थी। पुलिस जवान झारखंड के ललमिटिया में तैनात था। 27 नवंबर को उसकी दूसरी बेटी श्वेता की शादी थी, जिस कारण वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। शादी के बाद 3 दिसंबर को वह नौगछा बाजार से पैदल मकनपुर चौक पार कर अपने घर बाबूटोला कमलाकुंड जा रहा था। इसी दौरान एक अनियंत्रित बेलोरो ने उसे जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद उसको नौगछा अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर किया गया था। वहां से उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पति की मौत से उजड़ी रीता की बगिया, 4 बच्चे हुए अनाथ। पुलिस जवान के हादसे में दर्दनाक मौत के बाद उसकी पत्नी की मानो दुनिया उजड़ गई। उसके सामने बीपतियों का पहाड़ टूट गया। वहीं 4 बच्चे अनाथ हुए। मृतक को 5 पुत्री सुभद्रा कुमारी, श्वेता कुमारी, सरस्वती कुमारी, सोनी, निशा और पुत्र अंकित है। सबका अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। मां पत्नी व पुत्रियों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार स्टेट यूथ नेशनल वॉलीबॉल टीम में दीपक व चंदन का चयन, इलाके में हर्ष। बीपुर प्रखंड के गौरीपुर निवासी दीपक कुमार उर्फ राजा और चंदन कुमार का बिहार यूथ नेशनल वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है। दोनों खिलाड़ियों का बिहार टीम में चयन पर इलाके में हर्ष का माहौल है। ज्ञात हो कि बिहार स्टेट यूथ पुरुष वॉलीबॉल टीम 25वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 16 से 22 दिसंबर तक पन्ना मध्य प्रदेश में भाग लेगा। दीपक व चंदन के चयन पर भाजयुमो कार्य समिति सुदर्शन भारद्वाज ने बताया कि बचपन से ही कड़ी मेहनत और लगन से दोनों खिलाड़ियों को आज ये मुकाम हासिल किए हैं, जो इलाके के गौरव की बात है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष रूपेश रूप, जिला प्रवक्ता प्रभु प्रिंस,
चंद्रकांत चौधरी ने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं और बधाई दी। युवक के सर पर लोहे की रट से किया प्रहार, रेफर। रंगना थाना क्षेत्र के भवानीपुर काली मंदिर के समीप गुरुवार सुबह आपसी विवाद में हुई मारपीट में एक युवक को लोहे की रट से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिए जाने की बात सामने आ रही है। घायल युवक भवानीपुर निवासी उदयकांत मिश्रा के पुत्र अंकित कुमार है। गंभीर हालत में युवक को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए JLNMCH मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। खबर लिखे जाने तक युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। बोरबा गांव के खेत में बहन भाई के साथ मारपीट। परबता थाना क्षेत्र के बोरबा गांव में एक खेत पर गांव के ही रीतु कुमारी और उसके भाई अमित कुमार के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। रीतु का आरोप है कि वह और उसका भाई खेत में काम कर रहे थे, इसी दौरान गांव के ही 8 लोगों ने खंती और कुदाल से उन लोगों के साथ मारपीट की और दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की प्राथमिकी रीतु कुमारी के लिखित बयान के आधार पर दर्ज की गई है, जबकि पर्वता पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है।